Hello and welcome. This is the second part of our topic, training and development. So as we were discussing the training process model, the first process, the first part is a triggering event. जो एक कोई triggering event होता है जिन the government, the organization realizes that there is some deviation in the performance या कोई problem हो रही है या वैसा जैसा performance होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग डिसाइड, वो लोग देखते हैं कि ये ट्रिगर कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, देन दे से कि नहीं भैया, मेरे को तो अभी हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ द नीड एनालिसिस फेज. नीड एनालिसिस फेज में क्या होता है, दे हैव टू एनालाइज द नीड. ठीक है, तो बोथ ट्रेनिंग एंड नॉन ट्रेनिंग नीड्स आर आइडेंटिफाइड. दो तरीके से होते हैं, एक टास्क एनालिसिस हो गया, एक परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया. टास्क एनालिसिस जनरली होता है कि वो लोग जो ऑलरेडी नए नए काम कर रहे हैं, नहीं काम कर पा रहे या काम करने में नए हैं, उन्हें काम ठीक से कर नहीं पा रहे या उन्हें काम ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, जो भी काम करने का तरीका है. परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये डिटेल में हमें डिस्कस करना है, जहाँ पे लोग देखते हैं, जो खुद से वो लोग अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, या सीनियर्स करते हैं, या जूनियर्स करते हैं, पीयर्स करते हैं, और वो लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो परफॉर्मेंस है अप टू दी मार्क है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है, जो भी है. अगर उन्हें अगर ज़्यादा है, बेहतर है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसे कैसे बेहतर किया जाए. नेक्स्ट इज़ द डिज़ाइन फेज. डिज़ाइन फेज में क्या होता है, ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट है. ठीक है, तो बेसिकली है कि कॉन्स्ट्रेंट्स एंड सपोर्ट कहाँ से आया है, कहाँ से मिला है, किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाना है. दूसरा है कि ये ऐसे डिज़ाइन किया जाए ताकि ये फैसिलिटेट लर्निंग फैसिलिटेट करे. बेसिकली ये डिज़ाइन फेज मीन्स व्हाट, कि यू हैव आइडेंटिफाइड द ट्रेनिंग नीड्स. जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको ट्रेनिंग नीड्स के एक बंदे की ज़रूरत पड़ी, कुछ लोगों की मान लीजिए ज़रूरत पड़ी. तो सेकेंड है, वो लोग देख रहे हैं कि नीड एनालिसिस की कैसी ज़रूरत है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, बेसिकली कैसी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, देन डिज़ाइन करना. डिज़ाइन करने में होता है क्या, कि उसमें देखना कि भैया कि क्या इस डिज़ाइन करने में कहाँ कहाँ दिक्कतें हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है. हम ऐसा करें कि कोई हमें सही तरीके से डिज़ाइन हो जाए, मेरा काम सही के सही से चल जाए, और ये जितनी ज़्यादा हो सके लर्निंग प्रोवाइड करें. नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट फेज. डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी बनती है, उसी डिज़ाइन को डेवलप किया जा रहा है, जहाँ ऑर्डर, टाइमिंग, मेथड्स, एलिमेंट सब को कंबाइन करके एक प्रॉपर, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी एम्प्लॉय के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो है कि भैया उसको तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये समझना ट्रिगरिंग इवेंट हो गया. देन उसका टास्क एनालिसिस किया, परफॉर्मेंस एनालिसिस किया, कहाँ उसको दिक्कत हो रही है, आपने वो पकड़ा. नेक्स्ट क्या हुआ, आप एक डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा इसको ये ज़रूरत है, हम इसके लिए ऐसा डिज़ाइन करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसे आउटपुट होना चाहिए. जब आपने डिज़ाइन कर लिया, तब उसको डेवलप करेंगे, जहाँ सारा ऑर्डर उस, क्योंकि वो भी काम कर रहा है, तो मान लीजिए आप उसको छुट्टी दे के भेज रहे हैं या काम के बाद बोल रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं अपने काम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सारा चीज़ क्या होता है, ये डेवलपमेंट फेज में आ जाता है. नेक्स्ट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन फेज. वंस द यू नो द वेरियस डेवलपमेंट फेज का हो गया, तो एक ड्राई रन चलाता है वो लोग कि भैया चलो हम लोग देख के देखते हैं, कि चला के देखते हैं कि कहीं तो गड़बड़ नहीं है. तो आपस में ऐसे ही ना, यू नो विद इन देमसेल्व्स दे ट्राई टू फाइंड आउट कि चलो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. एंड आफ्टर डेवलप इम्प्लीमेंटेशन फेज इज़ द इवेल्युएशन फेज. देखिए क्या होता है कि अगर इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग इज़ वेरी एसेंशियल. हमारे एग्ज़ाम्स में मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड टर्म्स एग्ज़ाम होते हैं, वाई मिड टर्म एग्ज़ाम्स, इट इज़ बेसिकली एन इवेल्युएशन फेज ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो ऑफ द टीचर्स. ये दोनों का इवेल्युएशन, वॉट इज़ इट, इज़ अ काइंड ऑफ मॉनिटरिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ फीडबैक. तो आउटकम ऑफ द इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिटर्मिन कर रहा है कि ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग जो ट्रेनी है उसका ट्रेनिंग नहीं ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ कि नहीं, जो इवेल्युएशन ठीक से हुआ कि नहीं, और इवेल्युएशन जो है वो सारा सही है कि नहीं. नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में देखिए दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप जॉब पर रख के बंदे की ट्रेनिंग की जाती है. ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है जब वो जॉब पे नहीं रहता,
He's not in the campus, but somewhere outside the campus, and then the training goes on, right? अब इसमें जो इंटरनल ट्रेनिंग या ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी लोग काम करने सीखने आते हैं, ये जनरली क्या होता है ना, इलेक्ट्रिशियंस या जो आयरन वर्कर्स, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग को अपने लोगों अपने अंदर लोगों को रखते हैं और उन्हें काम सिखाते हैं, और काम सिखाते हैं 2 से 5 साल के लिए। और जनरली जैसे मान लीजिए बोले कि अभी तुम काम नहीं सीखे, हम तुम्हें काम सिखा रहे हैं और गाइडेंस के अंदर काम करना है, तो जो नॉर्मली स्किल वर्कर्स है उसे बहुत कम पैसे दे के उसको सिखाते हैं काम, दैट इज़ अप्रेंटिसशिप, ठीक है। देन इज जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले क्या कि आप ट्रेनीज को जॉब के बारे में बताएं, अगर उसको जॉब के बारे में बताएं तो उनके सारे डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शन और क्लियर इन्फॉर्मेशन दें सही तरीके से ताकि वो काम कर सकें। थर्ड, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि देखो ऐसे ऐसे काम हो रहा है, उसके बाद काम करना है, उसके बाद उनको काम पे रखें और उनको एक रिसोर्स पर्सन के साथ रखें जो उसको लगातार काम करना सिखा रहा है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप इज़ डिफरेंट। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, 2-4 साल ले रहे हैं और अपने अंदर एक रख रहे हैं, सिखा रहे हैं काम, और सिखाने के बाद कम पैसे दे के फिर बाद में उन्हें जाने दे रहे हैं जब वो काम सीख ले रहा है, या सीख ले रहा है तो उसको एज एम्प्लॉय वहीं पर ट्रेन कर ले रहे हैं। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में क्या हुआ, आप प्रिपेयर करेंगे ट्रेनीज को, उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, देन उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे देखो ऐसे ऐसे काम करना है, और उसके बाद एक रिसोर्स पर्सन के साथ आप उसके साथ रखोगे और वो काम करेगा और देखेगा कैसे कैसे काम होना है। द नेक्स्ट इज द प्लान प्रोग्रेशन। प्लान प्रोग्रेशन में क्या होता है, प्लान करके प्रोग्रेस करना। अब क्या है, इम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि एकदम पाथ ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उनको बताया जाता है भैया कि आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपके एडवांसमेंट में या आपके प्रोग्रेशन में जो है उसमें ये चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ऐसे काम करो, दैट्स इट। जॉब रोटेशन क्या होता है, जॉब रोटेशन आई हैव डिस्कस इन द, यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड चेक आउट दी दिस थिंग माई वीडियो ऑन जॉब रोटेशन, उसने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जॉब रोटेशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी आदमी को एक डिपार्टमेंट से देके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, ठीक है, जहाँ उसकी टास्क, उसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उससे सैलरी नहीं बढ़ती है, काम करने का ज़्यादा दायरा भी नहीं बढ़ता है, पैसे भी नहीं बढ़ रहे, बस उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दे रहा है ताकि उसका जो होता है कि नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। जो ट्रेनी होते हैं वो और डिफरेंट पोजिशन के काम करने के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ इट कैन रोटेट थ्रू नॉन सुपरवाइजरी वर्क, ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट, मैनेजेरियल ट्रेनिंग, ये सब उसमें आता है। ना क्रिएशन ऑफ असिस्टेंट टू पोजिशंस। इसमें क्या होता है, जो ट्रेनीज को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस मैनेजर्स के असिस्टेंट बना दिया जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है, मैनेजर्स उनको कुछ सिलेक्टेड असाइनमेंट्स देते हैं और उसके बाद ट्रेनीज को काम करने बोलते हैं, जो असिस्टेंट उनको बनाया जाता है उन्हें काम करने बोलते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो ट्रेनीज उनके पास आ रहे हैं उनको डेवलप करना, क्योंकि वो मैनेजर्स के अंडर एज असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन, ही वर्कड एज एन असिस्टेंट इन दिस थिंग कोयला, जिसमें माधुरी दीक्षित थी, माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान वो देर। तो क्या है, वो क्या थे, अपने फादर के असिस्टेंट बन के काम सीख रहे थे, ठीक है, ताकि उनको जॉब दिया जा रहा है कि आप सीखो, काम सीखो। नाउ टेम्परेरी पोजिशंस। टेम्परेरी पोजिशंस क्या होता है, कभी कभी इंडिविजुअल्स को फ्रीक्वेंटली एज मैनेजर्स, मान लीजिए मैनेजर इल हो गया, बीमार हो गया, वेकेशन पे चला गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मान लीजिए कभी कभी जो है मैनेजर की पोजीशन वेकेंट हो जाती है, तो टेम्परेरली उनके जो जूनियर होते हैं, इमीडिएट जूनियर होते हैं, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनको एज मैनेजर्स प्रमोट किया जाता है, टेम्परेरी प्रमोशंस। देन जूनियर्स एंड कमिटीज एंड जूनियर बोर्ड्स। इसमें क्या होता है, ट्रेनीज को इनको एक कमिटी वगैरह बना दी जाती है जहाँ पे एक्सपीरियंस लोग भी रहते हैं, और उसके बाद उनके साथ बैठ के वैरायटी ऑफ इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, आपस में रिलेशनशिप बनाने का बताया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज़ कोचिंग। कोचिंग एक ऑन जॉब प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है।
कोचिंग वी ऑल नो जिस ट्यूशन वगैरह होता है कि आप उनको एक सिखा रहे हैं काम करना, ताकि एक कोच रहता है, ठीक है, एक ट्रेनर रहता है, एक कोच रहता है जो जॉब पे उसको काम करना सिखाता है। जनरली कोचिंग में क्या होता है, एटलीस्ट कोच, फुटबॉल कोच, क्रिकेट कोच, तो क्या होता है एक यू नो दे आर प्रोवाइडेड प्रॉपर सुपरविजन एंड देन दे आर आस्क्ड टू वर्क। इसमें काफ़ी टाइम पेशेंस चाहिए होता है, देन द उसमें आपके जो जॉब्स होते हैं उनको आपको जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, सिखाओ, उनको हेल्प करो, उनका ओवरकम दे वीकनेसेस। इसमें टाइम बचता है, थोड़ा सा यू नो अगर सब सबॉर्डिनेट्स कॉस्टली मिस्टेक कर सकते तो बच सकते हैं। दीज वर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब जॉब पर रख के आप ट्रेनिंग करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बस यही है कि जो वर्क कैंपस है वहाँ पर नहीं आपसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एट एनी लोकेशन विच इज़ सिचुएटेड अदर दैन द कैंपस, अदर दैन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि जब आप काम पर रख के किसी को सिखा रहे हो तो नॉर्मली काम के साथ सिखाना है तो नॉर्मल काम का ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है। जब दूसरा चीज़ होता है कि आप जब ट्रेनिंग के लिए किसी को भेज रहे हैं तो आप बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के पास भेजेंगे, ये बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है। थर्ड इज़ एफिशिएंट क्रिएटेड वैल्यू सिस्टम या प्रोग्राम्स बन सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि भैया हम तो जॉब पर एग्जैक्टली नहीं सीखे तो हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और कभी कभी ये बहुत फॉर्मल हो जाता है। दूसरा, ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली। एंड ट्रेनीज वन दे आर वंस दे आर ऑन द जॉब नो एंड देन दे आर सीइंग द थिंग्स विच आर एक्चुअली बीइंग परफॉर्म्ड, दे गेट मोर मोटिवेटेड। और ये बाहर में क्या होता है ना, बाहर में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके उनको सिखाया जा रहा है और आर्टिफिशियल होता है। कोई भी चीज़ का सोचे, मान लीजिए एस्ट्रोनॉट्स ही क्या होता है, पहले देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग व्हेन दे आर गिवन अ हाइपोथेटिकली एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड एनवायरनमेंट में उन्हें वैक्यूम में रहना सिखाया जाता है, और उनको एक्चुअली रॉकेट में जब भेजा जाता है इज़ अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। नाउ मेथड्स ऑफ ऑफ जॉब ट्रेनिंग में एक होता है लेक्चर विच आई एम गिविंग। लेक्चर क्या हुआ कि आप उसको डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑलमोस्ट सेकेंड टू डिमॉन्स्ट्रेशन आप लेक्चर प्रोवाइड करो, प्रिंटेड, ओरल, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, ठीक है। एक होती है स्ट्रेट लेक्चर। स्ट्रेट लेक्चर में क्या होता है कि एक एक्सटेंसिव प्रेजेंटेशन दिया जाता है, द ट्रेनर बोलता जाता है और उसके बाद और बाकी लोग सुनते जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो सुनते हैं, उसके बाद वो लोग दे आस्क देयर डाउट एंड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके वो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है, वो लेक्चर में क्या हुआ, सिर्फ उसको आपने, हम जैसे बोल रहे हैं, हियर इज व्हाट आई एम गिविंग हियर राइट नाउ इज लेक्चर, व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, राइट। लेकिन यही अगर ऑनलाइन जूम टाइप कुछ हो जाता तो ये हमारा डिस्कशन हो जाता, जब हम पूछ भी रहे हैं और आप वापस बता भी रहे हैं, कम्युनिकेशन पूरा प्रोसेस कम्प्लीट है। वट इज़ कम्युनिकेशन, एंटायर डिफरेंट, इट्स अ कंटिन्यूस टू वे प्रोसेस, वो बेसिकली कम्युनिकेशन का हो जाता। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले, जो ड्रामेटिक्स करके या जो एक तरीका से काम करके, नुक्कड़ नाटक सब आपने देखा है, तो नुक्कड़ नाटक सब क्या होता है, वो एक डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं कि भैया देखो ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में एक वर्चुअल डिस्प्ले हो जाता है कि देखिए हम लेक्चर में सिर्फ बोल रहे हैं, अ डिमॉन्स्ट्रेशन होता तो प्रोबेबली देयर वुड बी सम स्लाइड ऑफ हाउ द ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज टू बी इफेक्टिव अ डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी मीन कम्प्लीट विद अकम्पनी लेक्चर और एक डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप टास्क को ब्रेक डाउन करो स्मॉलर सेक्शंस में, उसको सीक्वेंशली ऑर्गेनाइज करो, देन ट्रेन करो, आज द ट्रेनीज टू फोकस, डिमॉन्स्ट्रेट द टास्क, डिस्क्राइब व्हाट दे आर सपोज द ट्रेनी आर सपोज टू डू एंड व्हाट द ट्रेनिंग इज डूइंग, और उसके बाद जब डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए तो आप बताएं कि आप क्यों काम किए, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेशन में आप उसको काम करना सिखा रहे हैं, छोटे छोटे कोई भी बड़ा सा जॉब है, कोई भी जॉब है, उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और उसको ना एज पर नीड उसको सिखा रहे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे जॉब करो, ऐसे नहीं ऐसे जॉब करो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे आ सकता है। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में जनरली डिफरेंस क्या होता है कि मतलब सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होते क्या हैं कि एक टॉपिक दिया जाता है, एक टॉपिक पे बोला जाता है, लोगों को
बुलाया जाता है कि आप आओ एंड देन द इंटेलेक्चुअल्स या हुसो एवर आर देयर दे डिस्कस अबाउट द वेरियस थिंग्स. द डिफरेंस बिटवीन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इज सेमिनार इज अ वन डे इवेंट बट कॉन्फ्रेंस कैन गो ऑन फॉर 2-3 डेज. सेमिनार एक छोटा इवेंट होता है, कॉन्फ्रेंस उसके हिसाब से बड़ा इवेंट होता है, ठीक है. और एक्सपर्ट्स आते हैं और उसमें दे डिस्कस. रीडिंग टेलीविजन एंड वीडियो इंस्ट्रक्शन. रेडियो टेलीविजन रेडियो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट इज़ अनदर अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन विच यू नो जिसमें प्लान रीडिंग ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर चलता है. जनरली टीवी पे जैसे बोलते हैं, जैसे जो स्वयं प्रभा आया हुआ है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू स्वयं एंड स्वयं प्रभा. स्वयं प्रभा इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविजन. रीडिंग करने का होता है एंड देन वीडियो इंस्ट्रक्शंस भी आप वाया वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं. बिजनेस सिमुलेशन. बिजनेस सिमुलेशन एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में एक्चुअल वर्क करके दिया जाता है. वेरियस ट्रेनिंग गेम्स और सिमुलेशंस होते हैं विच आर डिज़ाइन टू रिप्रोड्यूस और सिमुलेट प्रोसेसेस इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस. इसमें क्या होता है कि ट्रेनीज को वेरियस गेम्स खिलाया जाता है, जैसे केस स्टडीज, इक्विपमेंट सिमुलेटर्स, एक्सपेरिमेंटल केसेस, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर मॉडलिंग, रोल प्ले, वेस्टिबल ट्रेनिंग, ये सब प्रोवाइड करके उनको सिखाया जाता है कि कैसे काम करना है. नाउ केस प्रेजेंटेशन. केस प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. देखिए क्या होता है ना, हर एक जन का सी वाइल कमिंग अप फॉर सक्सेस नो लॉट्स ऑफ पीपल हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स. फाइन, तो हर एक जन का जो टूवर्ड्स द अप्रोच टूवर्ड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफरेंट. जब केस स्टडीज प्रोवाइड किया जाता है तो एक केस प्रोवाइड किया जाता है एंड देन दे आर आस्क्ड टू डिस्कस कि भैया इनको कैसे कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. उनको रिटन हिस्ट्री पढ़ाया जाता है. दूसरा क्या होता है ना, हर एक इंडिविजुअल को एक अपना लगता है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. क्लासेस में एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी केस स्टडीज अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट आई एम सेइंग इट इज़ द बेस्ट वे, अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट वे टू लर्न मेक समबडी लर्न. बिकॉज यू सी एवरीबडी ट्राइज टू अप्लाई देयर ओन अप्रोच, एवरीबडी ट्राइज टू अप्लाई देयर ओन यू नो सोल्यूशन. उसको डायग्नोज करना, उसको जो केस स्टडी दिया गया उसको डायग्नोज करो, भैया रियल प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम ढूंढ के निकालेंगे, उसके वेरियस ऑल्टरनेटिव ढूंढ के निकालेंगे, फिर सोल्यूशन देखेंगे, फिर देखेंगे नो सोल्यूशन देन एंड देन वी कम दैट देयर नो देयर इज नो सोल्यूशन इज राइट और रॉन्ग. सबका अपना अपना एनवायरनमेंट में काम करने का होता है एंड देयर इज डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, राइट. और इसी में पता नहीं कौन क्या नया ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल डिस्कवर कर ले. नेक्स्ट इज इक्विपमेंट सिमुलेटर्स. इक्विपमेंट सिमुलेटर्स में क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइसेस जहाँ ट्रेनीज को दिया जाता है कि आप जिस पर काम करो उसको प्रोसीजर्स मूवमेंट्स वगैरह सिखाया जाता है ऑन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. नाउ बिजनेस गेम्स इज समवट लाइक द सिमुलेशन गेम्स एक्सेप्ट दे रिप्रेजेंट द अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट द वे इंडस्ट्री कंपनी एंड द सब यूनिट ऑफ अ कंपनी फंक्शंस. एग्जैक्टली जैसा कहाँ पे बिजनेस होता है वो वहाँ पे वैसे ही करके उस पर गेम्स खिलाए जाते हैं. नॉट गेम्स बेसिकली, दे आर बिजनेस गेम्स. द सेट ऑफ रिलेशनशिप रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो थ्योरी और रिसर्च से ऑलरेडी आया हुआ रहता है. ट्रेनीज को एक सिचुएशन दिया जाता है और उनको डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है और उसके बाद जो फीडबैक उनका मिलता है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनको सिखाया जाता है. और ये तब तक सिखाया जाता है जब तक जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से वो ट्रेनी समझ नहीं जाए. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है, इफ द फोकस ऑफ द इज़ ऑन द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अ कंपनी द गेम माइट एंड वेन द कंपनी रीच द स्पेसिफिक प्रॉफिटेबिलिटी लेवल एंड वेन द कंपनी मस्ट डिक्लेयर बैंकरप्सी. तो आपको उनको सिखाया जाता है कि आप सीखो भैया कि मतलब फाइनेंशियल स्टेट को सिखाना जाना है तो वेरियस गेम्स ले कि आप कब क्या चीज़ डिसाइड करेंगे. इससे क्या होता है, आपके मैनेजिंग स्किल्स बढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बनते हैं, आपके डिमांड्स का ट्रेड करने के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट बेहतर होते हैं, इंटीग्रेट सेपरेट कॉम्पोनेंट्स एज अ होल, लीडरशिप स्किल्स बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन एक्सेट्रा. यू कैन गो थ्रू द नोट्स. नाउ एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज. एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, दे आर यूजुअली शॉर्ट स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंसेस जहाँ पे इंडिविजुअल्स लर्न करते हैं बाय डूइंग. एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं ना लैब में जाके. तो बेसिकली आपको आप यू नो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करके काम करना
सिखाया जाता है. नेक्स्ट इज़ द रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये रोल वाला टर्म ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रोल प्लेइंग इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक जिस जहाँ पे ट्रेनिंग का काम क्या होता है, उनको रियलिस्टिक मैनेजमेंट सिचुएशंस दिए जाते हैं और उसके बाद उनको काम करना सिखाया जाता है, उनको काम करना बताया जाता है. एम क्या है? एम है उसका कि ट्रेनिंग का स्किल एरियाज डेवलप करना हर एक चीज़ में, लीडरशिप, डेलीग्रेशन, उसको डेलीगेटिंग इम्प्रूव करना, फिर एक कोई एरिया के बारे में सिखाना. जैसे नुक्कड़ नाटक, आई गो अगेन, नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, नुक्कड़ नाटक इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेशन. साथ ही साथ ना हर एक जन एक रोल प्ले करके बता रहा है कि देखो हमें ऐसे काम करना है, आप इस सिचुएशन में हो तो आपको ऐसे लेना है. तो बेसिकली उस रोल में अपने आप को डाल के ट्रेनर्स जो होते हैं ट्रेनी को सिखाते हैं. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रोल. एक सी में आता है एक स्ट्रक्चर्ड रोल. स्ट्रक्चर्ड रोल में जहाँ पे सब उनको स्ट्रक्चर्ड, आई हैड सेड अर्लियर, जब भी स्ट्रक्चर्ड मतलब होता है एकदम वेल पैटर्न, उनको सही से पता है कि काम क्या है, रोल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सारा चीज़ एक एक चीज़ एकदम पता है. तो कैरेक्टर का एटीट्यूड, नीड, ओपिनियन, सारा चीज़ पता है. प्राइमरली क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन संभालना. स्पॉन्टेनियस रोल का क्या मतलब होता है कि ये एक आपको पहले से डिसाइडेड नहीं है, बल्कि क्या है कि कोई भी एक स्पॉन्टेनियस सिचुएशन दे दिया गया और स्पॉन्टेनियसली बोला गया कि मान लीजिए ये प्रॉब्लम हुआ तो आप कैसे करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे. तो आप देखता है कि इससे जज होता है कि सामने वाले का एटीट्यूड क्या है, उसका इम्पैक्ट कैसे, वो कैसे अपने स्किल्स डेवलप करेंगे. नेक्स्ट इज़ द बिहेवियर मॉडलिंग. व्हाट इज़ बिहेवियर मॉडलिंग? बिहेवियर मॉडलिंग में होता क्या है, एक टेंडेंसी होती है फॉर द पीपल टू ऑब्जर्व द अदर्स हाउ टू डू समथिंग न्यू. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स कि आपका बिहेवियर को कैसे मॉडल किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है. पहले क्या है, पहले की स्किल डेफिशिएंसीज वो लोग देखेंगे. हम लोग ट्रेनिंग इसीलिए प्रोवाइड करें कि कोई कुछ स्किल डेफिशिएंसीज हैं, देन एक ब्रीफ रिव्यू ओवरव्यू उनको बनाएंगे, रेलिवेंट थ्योरीज से रिलेटेड जो भी है, की लर्निंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ, जो लर्निंग पॉइंट्स है क्या सीख सकते हो बताएंगे, एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि भैया आप सिखाओ इसको, बिहेवियर के बारे में बताओ. देन उसके बाद इन ट्रेनिंग को बोलेंगे कि जब आपको बता दिया कि आपकी ये स्किल डेफिशिएंसी है और ये चीज़ें हैं, एक्सपर्ट आके आपको सिखा दे रहा है, आप बोलेंगे भैया आप एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करके हम दिखाओ. उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनर कि आप दूसरों को भी ये सिखाओ. इससे क्या होता है, इट यू हैव टू इंश्योर दैट द ट्रेनी सुपरवाइजर्स अप्रोप्रिएट उसको बता रहा है. क्योंकि अगर सी इफ द बिहेवियर मॉडिफिकिंग इज मॉडिफिकेशन इज़ बैड तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बर्बाद हो सकता है एंड दिस कैन लीड टू डिजास्टर्स रिजल्ट्स. कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है? कंप्यूटर मॉडलिंग में होता है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं और ये सारे कंप्यूटर जो मॉडल्स होते हैं ये प्रोग्राम्स रिलेटेड उनको वर्क एनवायरमेंट्स में ऐसे होता है कि उनको कंप्यूटर से काम करना सिखाया जाता है. ठीक है, जैसे ट्रेनिंग ऑफ द पायलट्स या फिर किसी भी काम में नए कंप्यूटर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले ऐसे ही मैनुअली चल रहा है, पूरा कंप्यूटर सराई सिस्टम हुआ, नया MIS आया, तो कैसे आप इसमें कंप्यूटर उनको सिखाओगे. नेक्स्ट इज़ द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, द एम्प्लॉयज लर्न द जॉब्स विद द रिक्वायरमेंट दे विल बी यूजिंग बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल प्लेस. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है कि जो इक्विपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने हैं उन्हें, वही चीज़ एग्जैक्टली वैसा ही एक दूसरे. वेस्टिब्यूल मतलब क्या होता है, वेस्टिब्यूल इज़ अ क्लोज कंपार्टमेंट. ठीक है, एक क्लोज, एक छोटा सा रूम टाइप का, एक बहुत ही छोटा सा कमरा जैसा, या फिर एक जो ऑफिस में क्यूबिकल टाइप के बने रहते हैं, दैट्स अ वेस्टिब्यूल. तो क्या होता है कि एक आपका एक सेटअप बनाया जाता है जहाँ जो एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली वैसा ही उन्हें बताया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि आप यहाँ पे काम करो. ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग वैसे ही काम करते हैं, इसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज़ द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और टी ग्रुप ट्रेनिंग. टी ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं और इसके टेक्निक को इज़ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द रियल प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग विद इन द ग्रुप इट्सेल्फ. ठीक है, ये ऐसा इमेजिन नहीं किया जाता है कि प्रॉब्लम कहीं बाहर से आ रहा है. इसमें अभी जो ऑर्गेनाइजेशन को मतलब इम्प्लॉइज़ को कोई ये स्किल्स या पार्टिसिपेटिंग उनको क्या क्या किया जाता है, वो इस प्रोग्राम में एक अटेम्प्ट किया जाता है दैट देयर इज़ अ चेंज इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द ग्रुप
ठीक है, ग्रुप ट्रेनिंग बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है, कि कैसे टीम बिल्डिंग बनाएं, आप आपस में बात करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ क्रिटिसिज्म करो, ओपन आर्ग्यूमेंट्स करो, डिस्कशन करो, मेंटल जो भी आप लोग का जो भी हिचक है उसको ख़त्म करो, और ताकि आप लोग एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे से बेहतर बात कर सकें। इसीलिए शायद उसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कहते हैं, कि वो बेसिकली प्रॉब्लम उल्टा फुल्टा इधर उधर का नहीं, काम करने का नहीं, बल्कि ग्रुप का बोला जा रहा है, टीम मेंबर्स का बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है एक दूसरे का बेहतर मोटिवेट आप कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे की तरह एक दूसरे का बिहेवियर आप कैसे करते हो, आप खुद की इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी बिहेवियर कैसे बेहतर कर सकते हो। इसकी फ़ायदा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, कि हमारा खुद का बिहेवियर कैसा है ये हम डिसाइड करते हैं, हम अपने ग्रुप को बेहतर समझ सकते हैं, हम अपने ग्रुप के मेंबर्स को बेहतर समझ सकते हैं, उनकी इमोशनल और वीकनेस को देख सकते हैं, स्टेबिलिटीज़ को देख सकते हैं, देन यू नो स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी ग्रुप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम कैसे इंटरवीन करें, प्रॉब्लम कैसे डायग्नोस करें, एंड इट डेवलप्स, इट गिव्स रिजल्ट्स इन अ इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो टी ग्रुप इज़ अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, विदाउट एनी लीडर, और ट्रेनर एक ओपन क्वेश्चन बोलते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, और लोग आपस में बातें करते हैं और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जो एक दूसरे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट डिस्कस करते हैं, ठीक है, एंड दे ट्राई टू रिफ्लेक्ट अपॉन द वेरियस बिहेवियर ऑफ द ईच अदर, बेसिकली टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या होता है कि एक ऑल्टरनेटिव क्लासरूम ट्रेनिंग होता है टू अकम्प्लिश द गोल्स, ठीक है, कि आपको ना क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ कंप्यूटर से है, और कंप्यूटराइज आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे काम करना है। तो इससे क्या होता है, लर्निंग का समय बचाया, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बचाया, इंस्ट्रक्शनल कंसिस्टेंसी रहती है, आप क्या सीख रहे हैं आप जानते हैं, प्राइवेसी रहती है, मास्टर कर सकता है ट्रेनिंग, क्योंकि कंप्यूटराइज बेस्ड है, सपोज यूट्यूब वाइज समथिंग बेस्ड है या कोई लेक्चर है जो ऑनलाइन प्रोवाइडेड है, तो वो लगातार चार बार, मान लीजिए कोई ट्रेनी है, एक बार सिखाया नहीं समझ में आया तो 10 बार देके सीख सकता है, तो अपना वो उस पर मास्टर कर सकता है। देन लर्निंग हजार्डस, इट इज सेफ मेथड फॉर लर्निंग हजार्डस टास्क, कि आप उसको सीधा खतरों के खिलाड़ी बना के नहीं भेज रहे हो, बल्कि आप उनको पहले सिखा रहे हो कि खतरों के खिलाड़ी बनना कैसे है, इट्स अ जोक, बेसिकली ये है कि आपको कैसे वहाँ पे काम करना वो सिखाया जाता है, एंड इट इंक्रीजेस द एक्सेस टू ट्रेनिंग। That is all in training and development. Thank you very much for your patience. Stay safe, stay home, and I shall be looking forward to your comments and likes. Happy learning. Thank you.